हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान संगम क्लासेस। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि कौन कौन सी फेमस एलर्जीज हैं जो हम इंग्लिश लिटरेचर के अंदर डिस्कस करते हैं। आज एक नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा कि फेमस मैगजीन्स, जहां से क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिलता है। इस जो मैंने बोर्ड पे लिखे हैं, इनमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो नेट एग्जाम में पूछे गए थे, इसीलिए ये हमारे लिए टॉपिक इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो, जो है द फेमस मैगजीन्स। तो पॉपुलर जो मैगजीन्स है, मैगजीन सभी को पता है, पत्रिका है। तो कुछ जो मैगजीन्स हैं उनके फाउंडर थे और वो कब आई हैं, ये सब बातें हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती हैं और यही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले है स्पेक्टेटर। किसने इसे फाउंडेड किया था? देखो, सबसे पहले डेट 1711 से 1714 तक आती है। एडिशन और स्टील जो माने जाते हैं, इसके फाउंडर माने जाते हैं। जेंटलमैंस मैगजीन के जो फाउंडर हैं वो हैं एडवर्ड केव। और इसके बाद है लंदन मैगजीन। लंदन मैगजीन के जो फाउंडर हैं इसाक किम्बर, और ये कब आई थी? 1732 से 1785 तक ये आती है। इसके बाद आता है मंथली रिव्यू। मंथली रिव्यू के जो फाउंडर हैं वो है राल्फ ग्रिप्स, और ये कब आती है? 1744 से लेकर के 1845 तक ये आती है। इसके बाद आता है रैम्बलर। रैम्बलर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रैम्बलर जो डॉक्टर जॉनसन से जुड़ा हुआ है, डॉक्टर जॉनसन ने जेंटलमैन मैगजीन के अंदर भी लिखा है, और इसके साथ साथ जो है रैम्बलर भी इनकी इंपॉर्टेंट जो थी मैगजीन थी। कब ये जो डेट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1750 से 52 तक। और ये किसके द्वारा फाउंडेड की गई थी? डॉक्टर जॉनसन के द्वारा, ठीक है। क्रिटिकल रिव्यू जो है ये टोबियस स्मॉलेट जो है इन्होंने एडिट की थी, और इसके अंदर और भी लोग जुड़े हुए थे। जैसे इसी के अंदर ही आप पढ़ोगे ओलिवर गोल्डस्मिथ भी इससे जुड़े हुए थे। वॉचमैन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एस टी कोलरिज जो है से जुड़ी हुई है, एस टी कोलरिज इसके फाउंडर थे। एडिनबर्ग रिव्यू जो ले हंट और वाल्टर स्कॉट है, इन्होंने इसके अंदर लिखा है, ठीक है। और इसके बाद आते हैं हम एग्जामिनर। एग्जामिनर में भी जो फाउंडर हैं माने जाते हैं ले हंट और जॉन हंट माने जाते हैं। ये जो जम है ये हरियाणा के स्क्रीन एग्जाम में पूछी गई थी कि जम जो पत्रिका है, जो मैगजीन है, वो किससे जुड़ी हुई है? तो प्री रेफलाइट ब्रदरहुड से जुड़ी हुई है। प्री रेफलाइट जो राइटर्स थे उन्होंने इस मैगजीन के अंदर लिखा था। ये डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि जम मैगजीन किससे जुड़ी हुई है? प्री रेफलाइट ब्रदरहुड से जुड़ी हुई है, ठीक है। इसके बाद आता है इंग्लिश रिव्यू। इंग्लिश रिव्यू के जो फाउंडर हैं फोर्ड मैडॉक्स फोर्ड है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद आता है इगोइस्ट। इगोइस्ट एक इम्पोर्टेंट मैगजीन है, जहाँ से क्वेश्चंस जो हैं कई बार नेट में पूछे गए हैं, और इसके साथ साथ जो है और एग्जाम्स में भी यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि जो इमेजिस्ट राइटर थे, जो इमेजिस्ट पोइट थे, उन्होंने इस मैगजीन के थ्रू लिखा है। सबसे पहले अगर इसकी बात करें कि इसके फाउंडर कौन थे, तो ये डोरा मास्टम का नाम जो है वो जोड़ा जाता है कि वो इसके फाउंडर थे। तो और अगर बात की जाए कि किस किस ने इसने इसमें लिखा है, तो जो बात करें हम इजरा पाउंड की, तो इजरा पाउंड ने इसके अंदर बहुत ज़्यादा लिखा है। ये एक इमेजिस्ट जो राइटर्स हैं उसकी मैगजीन जो है मानी जाती है। तो क्वेश्चन कैसे भी आपसे पुट किया जा सकता है कि इगोइस्ट मैगजीन कब से कब तक आई थी, 1914 से 1919 तक आती है, कौन इसके फाउंडर थे। इसके बाद पूछा जा सकता है कि किस किस जो इगोइस्ट मैगजीन है उनसे कौन कौन से मतलब जुड़े हुए थे, कौन कौन से राइटर्स, कौन कौन से पोइट्स इससे जुड़े हुए थे। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इगोइस्ट मैगजीन। इसके बाद आता है ब्लास्ट। ब्लास्ट जो मैगजीन है वो इजरा पाउंड और विंडम लेविस के द्वारा जो है फाउंडेड की गई थी, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद होता है क्राइटेरियन जो है, क्राइटेरियन टीएस इलियट की है। वेस्टलैंड इसी के अंदर ही जो है पब्लिश होती है, इसी के अंदर ही जो है आती है, मतलब ये पब्लिश नहीं आती है, किसके अंदर आती है? जो क्राइटेरियन मैगजीन है इसी के अंदर ही इसकी जो वेस्टलैंड है वो आती है। तो ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये भी, ये जितनी भी हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है फ्रॉम नेट पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ से क्वेश्चन हर बार एग्जाम में देखा गया है, या तो इगोइस्ट से पूछेगा, या क्राइटेरियन से, या क्रिटिकल क्वार्टरली, क्योंकि अभी अभी लेटेस्ट जो क्वेश्चन आया है वो है क्रिटिकल क्वार्टरली। तो आपको ये याद रखना कि क्रिटिकल जो क्वार्टरली है इसके फाउंडर कौन है? सी बी कॉक्स और ए ई डायसन जो है वो इसके फाउंडर है। इसके बाद आता है स्क्रूटिनी। स्क्रूटिनी जो है वो किसका नाम जोड़ा जाता है? अल्के नाइट। किसका नाम जोड़ा जाता है? अल्के नाइट
और एफ आर लेविस इसके फाउंडर माने जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ पॉपुलर, बहुत ही जो फेमस थी, जहाँ से क्वेश्चंस पुट किए गए हैं वो मैंने यहाँ पर बताई हैं। और भी बहुत सारी मैगजीन्स हैं जो हम अपने इंग्लिश लिटरेचर के अंदर पढ़ते हैं, जैसे आप अगर बात करें एडिनबर्ग रिव्यू है, वो भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, लेकिन इनसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछ जाते हैं। तो प्लीज़ आप इनको नोट डाउन करें, और इससे जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो इनके फाउंडर से बनेंगे, या इनकी डेट से बनेंगे, या फिर इनसे एसोसिएट जो राइटर्स हैं उनसे बनेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग आज की वीडियो को। अगर आपको मेरी जो भी वीडियो, जो भी मेरा कंटेंट पसंद आता है, तो आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आगे भी मैं आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी टॉपिक्स होंगे उनके ऊपर मैं आपके लिए मैटर और वीडियो जो है बनाते रहूँगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।